हमीरपुर में समाज सेवी युवक निशांत शर्मा ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ली गई आरटीआई के बाद डांग की कवाली के पास रेस्टोरेंट के बाहर जमीन पर कार्रवाई करने की मांग की है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान निशांत शर्मा ने आरोप लगाया है कि रेस्टोरेंट मालिक और उसके पुत्र ने इस मामले से गुस्सा होकर हमला किया और मारपीट भी की, जिसकी शिकायत पर सदर थाना में की गई। वहीं इन आरोपों को रेस्टोरेंट मालिक अशोक दमीजा ने सिरे से नकारते हुए इसे साजिश करार दिया है। हमीरपुर में समाज सेवी युवक निशांत शर्मा ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ली गई आरटीआई के बाद डांग की क्वाली के पास रेस्टोरेंट के बाहर जमीन पर कार्रवाई करने की मांग की है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान निशांत शर्मा ने आरोप लगाया है कि रेस्टोरेंट मालिक और उनके पुत्र ने इस मामले से गुस्सा होकर हमला किया और मारपीट की है, जिसकी शिकायत सदर थाना में की गई है। वहीं इन आरोपों को रेस्टोरेंट मालिक अशोक धमीजा ने सिरे से नकारते हुए इसे साजिश करार दिया है। निशांत शर्मा का कहना है कि जब मैं अमन शर्मा की दुकान पर था तो अशोक और उसका बेटा वहां पर आया और मारपीट की, जिसकी शिकायत पुलिस थाना में की गई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन को जल्द अतिक्रमण वाली जगह को हटाना चाहिए। इसकी हमने शिकायत की थी रिगार्डिंग इंक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड अपोजिट एडीसी रेजिडेंस एट हमीरपुर। ये एडीसी के रेजिडेंस के सामने फॉरेस्ट लैंड पे इंक्रोचमेंट की, ये कंप्लेंट की थी 6/9/2019 को, ठीक है जी। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इसका डिमार्केशन किया, तो इसमें 40.75 स्क्वायर मीटर जो है इनकी इंक्रोचमेंट निकली है। ये जो सूरज स्वीट्स है ये टेनेंट है, कोई सकेत चोपड़ा सुनौ विजय चोपड़ा का है जो रेवेन्यू अथॉरिटी बता रही है। तो मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी और ये कंप्लेंट जो है इसके ऊपर कार्रवाई हुई है और ये कंप्लेंट बता रही है कि इनकी इंक्रोचमेंट है फॉरेस्ट लैंड पे। ये 2 करोड़ रुपए की ज़मीन है फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट इसके ऊपर कार्रवाई जल्द करे। और इसके लिए मैंने की थी, तो आज इसने मेरे ऊपर इसने अरुण कुमार और अशोक कुमार प्रोप्राइटर ऑफ सूरज स्वीट्स ने मेरे ऊपर जान से मारने की धमकी दी और मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट की, और ये मुझे कभी भी जान से मार सकता है क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे इसकी कंप्लेंट की, तो उसके बाद ये सारा जो है तभी हो गया। भाई आप बड़े लेट नहीं हो गए आगे लेने को कि मतलब साल दो साल हो गए इस मामले में हमने किसको मेरे ध्यान में अभी आया ना जी, जब मेरे ध्यान में नहीं था मेरे को नहीं था पता, अभी मेरे ध्यान में आया तो मैंने इसका नेचुरली रिकॉर्ड निकलवा लिया। ये जो आपके ऊपर हमला हुआ है इसकी कंप्लेंट की आपने? हाँ, ये जो मेरे ऊपर आज हमला हुआ है ये एसएचओ सदर थाना है, इनको कंप्लेंट किया है और इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और प्रशासन भी देखे कि ये जो इस तरह से अटैक कर रहा है मेरे ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं कभी भी मेरे को कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कंप्लेंट की थी और इसकी निकली है वहाँ पे, ये सभी मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, ये एक सारी रंजिश के तौर पर देखा जा सकता है। ये चाहते हैं कि ऐसे क्रिमिनल लोग हैं ये अवैध कब्जे कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये जो फॉरेस्ट लैंड है इसके ऊपर जो भी एक्शन जो DFO है और जो प्रशासन है वो जल्द करे, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड बता रहा है कि ये सब कुछ है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी जो भी है सारा। वहीं निशांत शर्मा के आरोपों को सिरे से नकारते हुए रेस्टोरेंट के मालिक अशोक धमीजा ने कहा कि एक साजिश के तहत निशांत शर्मा बदनाम करने के चक्कर में पूरी तरह से लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि निशांत शर्मा पिछले काफी दिनों से रेस्टोरेंट के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन मांग करे कि किसकी शय पर निशांत शर्मा ऐसा कर रहा है, इसकी पड़ताल की जानी चाहिए। अशोक धमीजा ने कहा कि अगर निशांत समाज से भी है तो केवल मेरे ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि निशांत शर्मा ने रेस्टोरेंट के लिए चली हुई गाड़ियों को लेकर झूठी शिकायत की थी, जिस पर पुलिस को पूरे कागजात दिए गए हैं, जिस पर निशांत की सारी शिकायतें झूठी निकली हैं। तो सरासर सारे जानते हैं झूठ है। आज नीचे हमारी 3 नंबर शॉप के बाहर जैसे हमारी वैन लगी आके सामान उतारने के लिए, इस लड़के ने क्या किया, आगे ले आके बिल्कुल स्कूटरी लगा दी और बोलने लगा कि हमारे लड़कों को ये इधर कोई सामान सामान नहीं उतारना, अभी ये दुकान आज टूट जाएगी, आज ये आएंगे PWD वालों ने तोड़ देनी है दुकान। और एक्चुअली में क्या था कि दुकान के आगे जो नाली बनी हुई है वो नाली उन्होंने चौड़ी करनी थी,
वो नाले के लिए आना था। मेरे बेटे ने बोला कि तुम कौन होते हो, गाड़ी हमारी गाड़ी के सब बोलने वाले। ये वहाँ से सीधा उठा और फटाफट जाके थाने में जाके इसने रिपोर्ट लिखा दी, और थाने में आने में रिपोर्ट लिखाई है कि हमारे बंदों को आके परेशान कर रहा है, हमारे को धमकी दे रहा है। और इसका तो काम ही झूठ बोलना हर वक्त। ये देखो, ये देखिए आप, ये डॉक्यूमेंट दिया है कि हमारी जो वैनें चलती हैं चार पांच, वैसे तो हमारी तीन वैनें हैं, इन्होंने लिखा कि चार पांच जो वैनें हैं उसका उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इनका कागज नहीं, कोई टैक्स नहीं। हम लोग, मेरे पास 16 गाड़ियां, मैंने सब गाड़ियों के टैक्स दिए हुए हैं और गुड टैक्स दिया हुआ है, वैन का हमने गुड टैक्स सारे भरे हैं। और फिर हमने जाके सारे कागज फोटो स्टेट करा के वहाँ पे कंट्रोल रूम में पाल जी हैं उनके पास जमा करवाए हैं। और ये हमारे को बताइए कि कभी डी साहब के पास आरटीओ मांग रहे हैं, हमारी फॉरेस्ट की लैंड है, ये हमारे नीचे वाली है, उसका हमने कोर्ट में केस डिसाइड हुआ है, ऑर्डर हुआ है, नीचे वाली कोटा चौक वाली दुकान का उसका हमने ऑर्डर हुआ है कोर्ट से, ये कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते हैं। और ये बार बार हमारे को बदनाम करने के लिए, जो तीन नंबर शॉप है इसके फादर ने हमारे को किराए पे दी थी सन 90 में हमारे से 30,000 रुपया लिया था और 700 रुपया किराया था। वो दुकान 90 में 30,000 की दुकान ही नहीं थी, और हमने किसी के ऊपर क्यों कोई मारपीट करनी। मैं यहाँ से 35 साल से रह रहा हूँ, 35-40 साल हो गए हैं, आज तक मेरे कोई भी बंदा बताया मैंने किसी साथ मारपीट की हो। आप भी हैं इधर, सारा शहर है, मेरे पास रोज के 3-4 हज़ार लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, कितनी दूर दूर से आते हैं। हम लोग ऐसे नहीं हैं जैसे कि बेले लोग हैं, काम नहीं करने देते हैं, जो काम करता है उसको काम नहीं करने देते हैं। और इन्होंने इतना हरासमेंट किया हुआ, कभी डी साहब के पास चले जाते हैं, क्या ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो इनको और नज़र नहीं आते। हमीरपुर में हीरा नगर ले लो, पूरे ले लो, फॉरेस्ट के कितने इंक्रोचमेंट हो गए, हर दुकान के आगे छज्जा बना, 2-3 फुट सबके आगे जगह होती है, तो क्या इनको हमारी सूरज सीढ़ी ही नज़र आती है जिसके आगे। इनका अपना निजी स्वार्थ है कि हमारी नीचे वाली दुकान है, उसका कोर्ट केस चला हुआ है, इनको न्यायालय पर भी विश्वास नहीं है, उसका स्टे भी हुआ हुआ है, उसका कोर्ट में केस चला हुआ है, 2 नंबर कोर्ट में केस चला हुआ है उसका, मतलब कि जो तारीख अभी भी 11-12 तारीख है, हर महीने तारीख होती है, तो इनको उनके ऊपर भी विश्वास नहीं। जब जो कोर्ट का फैसला, ये कहते हैं कि किसी तरीके दबाव में ला के प्रशासन के इधर सबको दबाव के और हम लोग ये दुकान खाली करा लेंगे, वो तो अब कोर्ट के हिसाब से होगी दुकान खाली जैसे होगी। और बाकी रही बात, ये मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रशासन को भी परेशान कर रहे हैं, पुलिस को भी परेशान कर रहे हैं, झूठी ये एप्लीकेशन दे दे के और सबको परेशान कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो SP साहब और DC साहब को भी ये दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे लोगों को ऐसी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए जो इनको प्रसाद करते हैं और ये अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं। इन्होंने आज तक किसके खिलाफ कंप्लेंट की है, किसकी RTI ली है आज तक इन्होंने? जसवीर जी आप देखिए, आप भी रहते हैं बिहार में, पूरा इधर सारा सिस्टम है, और कौन सी मतलब ऐसी शॉप है जिसके आगे एक आध फुट नहीं होगी, छज्जा किसका नहीं बना हुआ? तो मैं तो हूँ ही किराएदार, मेरी तो अपनी दुकान नहीं है, और दुकान भी इनकी अपनी है, किराए पे दी हुई है, अपनी दुकान के आगे नजायज कब्जा बता रहे हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं, ये भी इसी लड़के की कारस्तानी है, यही करता है सारे। देखो अगर ये सोशल वर्कर है तो खाली मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, और शहर में कोई और लोग नहीं रहते, मैं खाली अकेला मैं ही रहता हूँ। और सोशल मीडिया क्या, किसी प्रेस में रोज, कभी किसी में कुछ, रोज इसे कर देना है एक्टिविटी, पता नहीं इसका क्या मुद्दा है। और प्रशासन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते ऐसे लोगों के साथ, ये शुरू से हमारे को बदनाम करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, एक तो सरकार जैसे बोलती है कि आप रोजगार दो, मैंने 100-150 बंदों को रोजगार हम लोग करें, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। और ये तो सुबह पता चलता है कि फेसबुक पे आज ये डाला हुआ, आज सोशल मीडिया पे ये आया हुआ, इन लोगों को पता नहीं कहाँ से ये शायद मिलती है। क्या मांग क्या करते हैं आप? हम तो ये प्रशासन से मांग करते हैं ऐसे बंदों को ढूंढकर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और आगे से कोई ऐसी कार्रवाई करनी, मतलब ऐसा कोई हिम्मत ना करे ऐसे किसी को बदनाम करने। और प्रशासन को भी इन्होंने परेशान किया हुआ, देखो RTI डाली है, कितना कुछ किया, कितनी बार हर 6-8 महीने के बाद कार्रवाई होती। जब फॉरेस्ट लैंड का वहाँ है, मेरी दुकान रेस्टोरेंट के आगे, मैंने रेस्टोरेंट किराए के लिया, उसके आगे फॉरेस्ट की लैंड है, तो मैंने वहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट थोड़ी की हुई है। अगर मेरी एक आध भट्ठी सुबह निकाल के लगाते थे, रात को अंदर रखते थे, वो भी मैंने उठा लिए। द्विजय, क्या जहाँ पे आपका आजकल वर्तमान में रेस्टोरेंट चल रहा है,
वहाँ पे इससे पहले भी कुछ था या आप पहले? नहीं, ये पहले G4 के नाम से रेस्टोरेंट था, पहले किसी को कोई वहाँ पे नहीं था। ये जब से मैंने लिया, चलो अभी यहाँ लोग फैमिलियाँ आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बड़ी अपेक्षा रख के आते हैं कि हमने सूर्य रेस्टोरेंट में जाना है, और हम लोग लोगों की अच्छे तरीके से खातिरदारी करते हैं, सेवा करते हैं, लोग इसलिए आते हैं। और ये लोग मेरे को मतलब हमारे को बदनाम करने के चक्कर में, अब मैंने तो ये 2-3 साल से लिया है, पहले तो G4 के नाम से था, तब इन्होंने कभी कोई मता नहीं उठाया, कभी तो निशांत शर्मा को ये पता ही नहीं होगा कौन सा रेस्टोरेंट है। अभी जब से मैंने खोला है तो इसको ये लगा हुआ, अभी एक सिंगल आदमी मेरी कंप्लेंट कर रहा है निशांत शर्मा। अब आप देखिए हमीरपुर कितना बड़ा है, कितना बड़ा हिमाचल है, एक आदमी मेरी कंप्लेंट कर रहा है, वो भी पता नहीं किसकी छह पे कर रहा है। ये भी प्रशासन अगर इंक्वायरी करेगा तो आप सामने आ जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।